हेलो एवरीवन, मैं हूं सौम्या और मेरे चैनल मेड इजियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं त्यौहार पे बनाने वाली एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बनाने वाली हूँ चंद्रकला, जो कि त्योहारों पर बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होती है और अंदर से बहुत ही टेस्टी फिलिंग होती है। तो चलिए बिना देर के इस चंद्रकला की रेसिपी को शुरू करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऊपर की लेयर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। इस मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो मीठी चीज़ें होती हैं उसमें नमक से जो टेस्ट होता है बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो एक चुटकी नमक डालने के बाद इसको मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मोइन। तो मोइन के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने जो जमा हुआ देसी घी होता है वो 3 चम्मच यहाँ पर डाला है। तो लगभग 2 चम्मच पहले डालेंगे और उसके बाद अच्छे से इसको मैदे के साथ मिक्स करेंगे। मोइन इसमें अच्छा क्वांटिटी में होगा, तभी आपका जो ऊपर का लेयर है चंद्रकला का वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। मोइन बहुत बैलेंस डाला जाता है, क्योंकि अगर मोइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो चंद्रकला जो है तलते समय फूट सकती है। तो देखिए, आप मोइन डालने के बाद आप इसको इस तरीके से चेक करके देखें कि जब वो अच्छे से बाइंड होने लगे, इतना हमें इसमें मोइन डालना होता है। तो अब हम यहाँ पर पानी की हेल्प से इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो पानी को धीरे धीरे मात्रा में मिलाएं और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा करके जितने में ये अच्छे से गुज जाए। इसका आटा थोड़ा सा पूड़ी से थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आप इसको मत लगाइएगा। इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम इस डो को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, डो हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको ढक करके कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट। और उसके बाद तब तक हम अपनी फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर शुगर सिरप बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है। 1.5 कप चीनी में हम 1/2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर नाप के 1/2 कप पानी डाल दें। आप किसी भी कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको चलाते हुए चीनी को हाई फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ी सी कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ, ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा जो केसर होता है उसको पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल येलो फूड कलर का यूज़ कीजिए, इससे टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे और चाशनी को चेक करने का तरीका है, आप इसको इस तरीके से फिंगर पे रखिए तो आपको हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होगी। इसकी चाशनी थोड़ी सी कम ही पकाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपाहट आती है उतनी तक हमें इसे बॉयल करना है। तो लगभग मैंने चाशनी को 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉयल किया था और ये चाशनी लगभग तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं और अब हम आगे की फिलिंग की रेडी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 1 चम्मच देसी घी। अब हम इसमें सबसे पहले जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बस अगर आप किशमिश का यूज़ करें तो आप उसको तल के मत डालिएगा। हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से क्रंची हो जाते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसी घी में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी के। सूजी डालना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फिलिंग अंदर भरते हैं तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होती है, कभी कभी एक ही जगह पर रह जाती है। अगर आप इसमें 2 चम्मच सूजी मिक्स कर देंगे इसकी फिलिंग में, तो इसकी फिलिंग बहुत ही इवेंटली स्प्रेड होती है और आपकी चंद्रकला खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो सूजी को हल्का सा गोल्डन होने तक हमने इसे रोस्ट किया और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में डालेंगे हमारा मावा, क्योंकि इसकी फिलिंग मावे से रेडी की जाती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम के करीब मावा लिया था और इसको हल्का सा हाथ से क्रश करके डालेंगे। मेरे पास जो मावा है आप देख रहे हैं वो वाइट कलर का यानी कच्चा मावा है, इसलिए मुझे इसे सेकना पड़ रहा है। अगर आपके पास सिका हुआ मावा है तो आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली उसमें मिक्स कर सकते हैं, जो मैं आगे स्टेप आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, मावा को मैंने अच्छे से भून लिया था और लगभग हल्का सा रेड कलर आने तक इसको हमें भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी भुनाई होगी और मावा हमारा भुन जाएगा। उसके बाद हम इसको अलग एक बाउल में निकाल लेंगे और निकालने के बाद पूरी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे।
मावा जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैंने यहाँ पर उसमें सूजी यानी भुनी हुई सूजी और साथ में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले सूजी को मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे रोस्ट किए हुए नट्स थे वो हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और अब इस फिलिंग में हम डालेंगे मिठास के लिए चीनी। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप के करीब चीनी डाली है क्योंकि हम ऊपर से चाशनी में भी कोट करने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीनी अंदर की फिलिंग में मत डालिएगा। तो देखिए चीनी डालने के बाद हमारी फिलिंग कितनी खुली खुली बनी है और ये बहुत इवनली स्प्रेड भी हो सकती है। तो देखिए फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम चंद्रकला को रोल कर लेते हैं। जो हमारा डो है वो भी रेस्ट कर चुका है, वो हम इसको छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरह के, और इसके छोटे छोटे हम बेल करके इसकी एक शीट बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से बेला और अब इसको एक कटोरी की हेल्प से आप कट कर लीजिए। इससे आपकी चंद्रकला बिल्कुल सेम शेप और साइज की तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर फिलिंग रख देंगे। फिलिंग रखने के बाद हम इसके एजेस पर पानी अप्लाई करेंगे और ऊपर से जो दूसरी शीट है उसको भी रख देंगे और इसको बहुत अच्छे से फिंगर से चिपका देंगे दबाते हुए, और उसके बाद इस तरीके से हाथ में होल्ड करके हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। हल्का सा स्ट्रेच करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया। बस आप इस तरीके से सारी चंद्रकला को प्रिपेयर कर लीजिए और प्रिपेयर करने के बाद आप इसको ढक करके किसी कपड़े से रख दीजिए जब तक आप इसे फ्राई नहीं करते, वरना अगर ये सूख जाएगी तो आप फ्राई करते समय ये फूट सकती है। तो इन टिप्स का ध्यान रखिए और इसको बनाने के बाद एक प्लेट में रख के आप इसको ढक दीजिए। अब मैंने सारी चंद्रकला रेडी कर ली है। अब मैं इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा मीडियम हॉट है। अब हम इसमें चंद्रकला को डालेंगे और देखिए जैसे ही आप डालेंगे ना वैसे ही ये धीरे धीरे करके पूड़ी की तरह फूलना लग जाएगा क्योंकि हमने इसमें 2 लेयर का यूज़ किया है। तो आपको इसे बिल्कुल भी छीलना नहीं है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसकी सिकाई करनी है तब तक जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। अब हल्के हाथों से इसको फ्लिप कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए हमारी चंद्रकला बहुत अच्छे से रेडी हो गई है, एकदम पूड़ी जैसी लग रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली आने वाले फेस्टिव सीज़न पे आपको सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो देखिए मैंने इसको गोल्डन फ्राई होने तक निकाल लिया और उसके बाद हम डायरेक्टली इसको डिप कर देंगे वार्म चाशनी में। यानी चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया है, और उसमें हम इसको अच्छे से डिप कर लेंगे, चारों तरफ कोट कर लेंगे। और इसको हमें चाशनी में छोड़ना नहीं है क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसे छोड़ देंगे तो इसका जो क्रिस्पीनेस है वो एकदम सॉगी हो जाएगी और खाने में मज़ेदार नहीं लगेगी। तो बस आप इसको तुरंत निकाल लीजिए प्लेट पर। ऊपर से आप चांदी का वर्क लगाकर या फिर ऊपर से कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट लगाकर इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को इस त्यौहार के ओकेजन पे बहुत पसंद आएगी। ऊपर से आप इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी और डाल सकते हैं, इससे इसका लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेडिज़र को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेडिज़र। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।